नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, जय भीम, हैलेलुया, वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। मेहरबान कदरदान, आज के शो में सुनाई जाने वाली कहानियों की झलकी। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। मीना कुमारी की जिंदगी का आखिरी शॉट कहां और कैसे। दूसरी कहानी है एक गीत की, हुआ किसी और के लिए रिकॉर्ड, पिक्चराइज्ड किसी और पर हुआ। छोटी सी कहानी है, हिट फिल्म के हिट गीत की कहानी। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, और अंत में मीरा रोड ठाणे के हमारे श्रोता पंडित प्रमोद उपाध्याय के प्रश्न का उत्तर। आज पंडित प्रमोद उपाध्याय ने पूछा है कि मुझे कुछ ऐसे गीत हिंदी चित्रपट के बताएं जिनमें हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ हो। तो ये प्रश्न पूछा है मीरा रोड ठाणे महाराष्ट्र के पंडित प्रमोद उपाध्याय ने, उत्तर अवश्य दूंगा। आपने इंग्लिश की एक फ्रेज जरूर सुनी होगी, शो मस्ट गो ऑन। ये कहानी है हिंदी फिल्मों की ट्रेजेडी क्वीन स्वर्गीय मीना कुमारी की कहानी। तब की बात है जब मीना कुमारी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले उन्होंने अपनी सारी अधूरी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली थी, तकरीबन पूरी सी हो गई थी। सिर्फ एक फिल्म थी दुश्मन, जिसका थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। अफसोस तो था, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी कि ठीक होते ही सबसे पहले बचा हुआ काम फिल्म दुश्मन का पूरा करेंगी। उसी समय फिल्म के निर्माता प्रेम जी और निर्देशक दुलाल गुहा उन्हें एक दिन अस्पताल देखने आए। मीना जी ने अफसोस जाहिर किया कि मैं छोटा सा जो काम बाकी रह गया है वो पूरा नहीं कर पाई। निर्देशक दुलाल गुहा ने सांत्वना दी कि आप चिंता ना करें, कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे शॉट्स में और वो फिल्म कंप्लीट कर लेंगे। बस एक अड़चन रह गई थी, एक शॉट चाहिए था, खास तौर से वो शॉट जिसमें मीना कुमारी दुल्हन बनी हुई नजर आती हैं। जब मीना कुमारी को बताया गया तो उन्होंने विचार विमर्श किया और तय कर लिया कि वो शॉट्स जो निर्देशक को चाहिए वो मीना कुमारी वहीं अस्पताल के बेड पर ही करेंगी शूट। निर्माता निर्देशक ने मना भी किया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता मैडम, आप ठीक हो जाइए, हम बाद में शूट कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे। लेकिन मीना कुमारी जिद पर अड़ गई, बोली बात का कोई भरोसा नहीं है, आप तो यहीं शूट कीजिए, मैं हॉस्पिटल के अधिकारियों से इल्तजा करूंगी, परमिशन ले लूंगी। और मीना कुमारी को परमिशन मिल भी गई। कुछ दिन बाद डायरेक्टर दुलाल गुहा ने हॉस्पिटल में शूटिंग की और मीना कुमारी ने अपने अस्पताल के बेड पर ही सारे शॉट दिए। उन्हें दुल्हन के रूप में सजाया गया। आईने के सामने खुद को दुल्हन बनी देखकर मीना जी बहुत जज्बाती हो गई थी, बहुत इमोशनल। शॉट हुआ और अपने अस्पताल के उसी बेड पर मीना कुमारी ने लास्ट शॉट दिया एक दुल्हन बनकर। आईने देखिए, बस इसके कुछ दिनों के बाद ही मीना कुमारी का निधन हो गया। दुल्हन के रूप में दिया गया शॉट उनकी जिंदगी का आखिरी शॉट साबित हुआ। कहानी है एक गीत की, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। गीत लिखने वाले आनंद बख्शी और कंपोज करने वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत के बोल, सोना ले जा रे चांदी ले जा रे। इस गीत की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में चल रही थी। फिल्म की हीरोइन आशा पारेख भी इत्तफाक से रिकॉर्डिंग में पहुंच गई। ये गीत फिल्म की दूसरी कलाकार लक्ष्मी छाया पर शूट किया जाना था, लेकिन आशा पारेख वहां पहुंच गई, हीरोइन थी, और गाना गौर से सुनने लगी।
रिकॉर्डिंग के समय ये गीत सुनकर आशा पारेख ने निर्देशक राज खोसला से कहा कि गीत कमाल का है, बहुत अच्छा गाना है, ये गाना तो मुझ पर शूट होना चाहिए। डायरेक्टर राज खोसला ने समझाया कि आशा जी ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि ये गाना आप पर फिल्माया जाए, लेकिन हीरोइन तो हीरोइन होती है भाई। आशा पारेख ने जिद पकड़ ली, नहीं नहीं प्लीज प्लीज से शुरू हुई, रूठना मनाना शुरू हो गया। भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी बात सुननी पड़ी, आखिर वो इस फिल्म की हीरोइन थी। तो निर्देशक महोदय को अपनी नायिका को प्रसन्न करने के लिए ये जिद माननी पड़ी और फिल्म में स्पेशल सिचुएशन निकाली गई, बनाई गई, जहां धर्मेंद्र जोगी बनकर फिल्म की नायिका, फिल्म की हीरोइन आशा पारेख से मिलने आते हैं और नायिका उनको टालने के लिए छेड़छाड़ के साथ नखरे कर ये गीत गाती है। अब क्या करें, गीत की सिचुएशन तो लक्ष्मी छाया के लिए भी थी, तो लक्ष्मी छाया के लिए दूसरा गीत रिकॉर्ड किया गया और वो गीत था आया आया अटरिया पे कोई चोर। नमस्कार जी, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बताइए हमें। अन्नू कपूर जी, शब्बीर बोल रहा हूँ मुंबई से। मुंबई से शब्बीर भाई, कहाँ मुंबई, कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई मीरा रोड से। मीरा रोड से जी, मीरा रोड ठाणे। शब्बीर भाई, ये जॉब में है कि बिजनेस है कि क्या है, अपने बारे में जरा मुख्तसर सा बताएं। ये मैं जॉब करता हूँ, टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, और घर पे कौन कौन है? घर पे हमारी वाइफ है, मदर है, भाई है, उनकी वाइफ है, भतीजा है छोटा सा, जॉइंट फैमिली है। जी हाँ सर। और घर पे अपने सभी लोगों को मेरे सलाम आदाब कहिएगा भाई, और कुछ फरमाइश हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो अगर मालूम होगा तो जरूर बता दूंगा। हाँ मैं सर पूछना चाहता हूँ, सर धर्मेंद्र जी की बहुत बढ़िया फिल्म आई थी सत्य काम। जी हाँ जी, ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टेड। बिल्कुल सही है, कैफी आजमी साहब ने गाने लिखे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था उसमें। जी सर। सर उस फिल्म को लेके ना मेरे मन में एक सवाल है, अगर उस फिल्म में गाना था आदमी है बंदर। जी जी जी, रोटी चुरा के भागे कपड़े, रोटी उठा के भागे कपड़े चुरा के भागे, कहलाए वो सिकंदर फिर भी आदमी है बंदर। हाँ जी 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 जी। तो उसमें सर एक सरदार जी थे एक्टर, और मुझे, मैंने वो गाना बहुत बार ध्यान से देखा है, मुझे वो श्री विनोद खन्ना जैसे लगते हैं सत्य काम में। नहीं, तो, नहीं, 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 जी। हाँ सर, वो मैं उनको देखता हूँ, उनकी स्माइल और उनका जो है, क्योंकि सरदार जी के गेटअप में है, धर्मेंद्र जी के दोस्त का उन्होंने रोल किया है प्ले जी, तो वो मुझे कन्फर्म करना है वो वही है या वो नहीं है, तो कौन से एक्टर है ये बताना। तो मैं गाना जब दोबारा देखूंगा तो शायद बता पाऊं कि एक्टर कौन से हैं, लेकिन क्रेडिट से तो उनका नाम नहीं है सर, लेकिन मुझे वो विनोद खन्ना जी से बहुत उनकी शक्ल मिलती है, और वो उसी टाइम का जब विनोद खन्ना जी नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उसी टाइम की फिल्म है वो। आई डोंट थिंक सो विनोद खन्ना। देखिए गाना तो ये मैं देख के ये मैंने नोट कर लिया है एंड डेफिनेटली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज इत्तेफाक से। हाँ, इस गाने में आदमी है सच्चाई जब धर्म जी के ऊपर आता तो मुकेश जी की आवाज में है वो। जी हाँ, मुकेश जी की आवाज है, और महेंद्र कपूर जी ने भी गाया। जी जी, महेंद्र कपूर जी हैं, किशोर कुमार है और मुकेश जी की आवाज है। वाह वाह वाह, क्या याद दिला दो, और बहुत बेहतरीन फिल्म है। कभी फुर्सत मिली तो मैं जरूर, सत्य काम मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ी हुई है फिल्म, मैं जरूर बताऊँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शब्बीर भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच अनु कपूर जी, बहुत अच्छा लगा आपका शो, हम बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दुआओं में याद रखिएगा। जब अभय देओल को फिल्म्स में लॉन्च करने का वक्त आया तो बड़े भाई सनी देओल ने डायरेक्टर के लिए एक नए व्यक्ति को ब्रेक देने का सोचा। इस आदमी का नाम था इम्तियाज अली, फिल्म थी सोचाना था। ये जब फिल्म बन रही थी तब इसी दौरान देओल फैमिली और इम्तियाज अली में अच्छे संबंध बन गए। बातों बातों में इसी दौरान इम्तियाज ने बॉबी को अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाई, बॉबी को बहुत पसंद आई। इम्तियाज ने कहा ये फिल्म मैं आपको लेकर बनाना चाहता हूं। बॉबी तो वैसे ही इंप्रेस था, तुरंत हाँ कर दी, बॉबी खुश। सारी बात बड़े भैया सनी देओल के सामने पक्की हो गई और फिल्म का टाइटल भी रख दिया गया गीत। बॉबी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए इम्तियाज की मुलाकात अष्टविनायक प्रोडक्शन हाउस से करवाई, सारा पिचिन कर दिया, और बॉबी के रेकमेंडेशन पर ही इम्तियाज ने करीना कपूर को इस फिल्म के लिए साइन भी करवा दिया। लेकिन वक्त बीता
और बीतते वक्त के साथ इम्तियाज अली बॉबी देओल से बच बच के निकलने लगे, दूर रहने लगे, कटने लगे। बॉबी ने इनिशियली महसूस किया कि शायद बहुत मसरूफ हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। झटका तब लगा जब अचानक फिल्म के बनने की खबर आई। बॉबी और पूरा देओल परिवार चौंक गया, असमंजस में था, क्योंकि इम्तियाज ने इसी तथाकथित फिल्म को लेकर, याद दिलाना चाहूंगा, अभी अभी कुछ समय पहले बॉबी देओल को कहानी सुनाई थी, फिल्म अनाउंस की गई थी, गीत, फिल्म का टेंटेटिवली सारा का सारा डिसाइड हो गया था। इस फिल्म का नाम भी गीत से बदलकर रख दिया गया एक नया नाम, और इम्तियाज अली ने बॉबी की जगह शाहिद कपूर को हीरो ले लिया और फिल्म का नाम रख दिया जब वी मेट। इस घटना से सनी देओल और पूरा परिवार इतने क्षुब्ध हुए, इतने दुखी हुए। ये दुख और ये नाराजगी आज तक इम्तियाज अली से है। एक दिन शाम बेनेगल अंधेरी के वेस्टर्न हाईवे पर खड़े थे टैक्सी पकड़ने की कोशिश में, तभी एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हाथ में छाता पकड़े हुए उनके पास से गुजरे। बुजुर्ग ने गौर से शाम बेनेगल को देखा और पलट गए, वापस आए, रुक गए, पता नहीं क्यों गुस्से में थे, छाता बंद किया। ये सब हरकत देखकर शाम बेनेगल की समझ में आया नहीं कि माजरा क्या है। उस आदमी ने छाते से इशारा करते हुए शाम बेनेगल को कहा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे डिस्करेज करने का, डिसहार्टन करने का, परेशानी में डालने का। शाम बेनेगल सकपका गए, साहब क्या हो गया, कौन सी गलती कर दी, क्या हुआ सर, जनाब बताएं तो सही। तो उस सीनियर सिटीजन ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने एक फिल्म बनाई है ना, निशांत, उस फिल्म को मैं देखने गया था और तब से उस फिल्म को मैं अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूं, बेचैनी है, छटपटाहट है, तबीयत में अजीब सी एक घबराहट है। यह कहकर उस आदमी ने अपनी छतरी खोली और आगे बढ़ गया। श्याम बेनेगल अवाक खड़े थे, खड़े रह गए। श्याम बेनेगल को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बुजुर्ग ने उनकी तारीफ की या शिकायत की। पसीना जरूर आ गया था इन बूढ़ी हड्डियों का गुस्सा देख। और अंत में 92.7 बिग एफएम के हमारे श्रोता मीरा रोड ठाणे महाराष्ट्र के पंडित प्रमोद उपाध्याय का प्रश्न, कृपया कुछ ऐसे गीत बताएं जिनमें हिंदी शब्दों का, हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ हो। प्रमोद उपाध्याय जी, गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी याद आ रहे हैं उनमें सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है मेरे माइंड में वो याद आ रहा है 1964 की फिल्म चित्रलेखा का गीत। गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने। काहे तरसाए जियरा काहे तरसाए, यौवन ऋतु सजन जाके न आए काहे तरसाए। अंतरे में भी पर्याप्त हिंदी शब्दों का उपयोग किया गया है। इसी फिल्म का एक और गाना है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे, ये भोग भी एक तपस्या है तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे। फिर याद आ रही है सती सावित्री फिल्म के गाने, तुम गगन के चंद्रमा हो, ये सती सावित्री के गाने लिखे थे पंडित भरत व्यास ने। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, तुम प्रणय के देवता हो मैं समर्पित फूल हूं, तुम महासागर की सीमा मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर मैं अधूरी सांस भर, तुम हो काया मैं हूं छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूं। इस तरह के लाइन है। पंडित भरत व्यास की एक और फिल्म याद आ रही है संत ज्ञानेश्वर, इसमें एक पक्का राग स्वर्गीय मन्नाडे से गवाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत के बोल हैं, हर नई किरण के साथ मंगल संदेश लाया, जागो रे जागो प्रभात आया। ये संत ज्ञानेश्वर, ये भी शायद 1964-65 की फिल्म है। इस फिल्म के बाकी गाने भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसमें जिस कैटेगरी में पंडित प्रमोद उपाध्याय ने प्रश्न पूछा है शायद मैं अपनी तरफ से वहां उपयुक्त नहीं पाता हूं। 1967 की एक फिल्म याद कीजिए, जीतेंद्र साहब की फिल्म बूंद जो बन गई मोती, इसमें भी एक बड़ा कमाल का गाना है, पंडित भरत व्यास ने लिखा है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के, जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पर किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। उसके बाद 1978 की फिल्म याद आ रही है सत्यम शिवम सुंदरम, स्वर्गीय राज कपूर की फिल्म। गीत याद आ रहा है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी।
बहुत प्रोमिनेंट एक और फिल्म याद आ रही है, 1985 की फिल्म जिसका नाम सुर संगम, गीतकार पंडित वसंत देव। बहुत बेहतरीन कविता, बहुत बेहतरीन गीत। पहला ही गीत सुन लीजिए, हे शिव शंकर हे करुणाकर परमानंद महेश्वर, मेरे भीतर तुम गाते हो सुन लो तुम अपना ये स्वर, मौन गान का ध्यान जमाया योग राग को ही माना, तुम ही बने हो तान प्राण की मेरे तन मन को पावन कर, हे शिव शंकर हे करुणाकर परमानंद महेश्वर। इसी फिल्म का एक और गाना है, आए सुर के पंछी आए अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए, आए सुर के पंछी आए किरणों की अवरोह राह से धरती पर उतराए, माटी को छूकर जीने की मन में चाह जगाए, आए सुर के पंछी आए। अभी तो इतने ही गाने याद आ रहे हैं। पंडित प्रमोद उपाध्याय ने प्रश्न ही ऐसा पूछा जो हृदय के बहुत ही समीप है, आत्मा ही बसती है, ये हमारे देश की भाषा है और गर्व है मुझे कि ये मेरी मातृभाषा भी है। अपनी मातृभाषा का हम सम्मान करें, यही प्रार्थना है। अगर कुछ और गीत याद आ रहे हों जिनमें प्रचुर मात्रा में हिंदी भाषा का और हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो हमें ज़रूर सूचित करें, प्रतीक्षारत रहेंगे। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।